नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, सीटेट शिक्षक भर्ती 2022 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। सीटेट के ऑनलाइन फॉरम को लेकर और परीक्षा तिथि को लेकर लाखों विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। तकरीबन 35 लाख छात्रों का इंतजार 30 मई को ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 30 मई से सीटेट के नोटिफिकेशन आपका जारी हो जाएगा और ऑनलाइन फॉरम चालू करने को लेकर अभी की बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, साथ में अगर आप सीटेट के छात्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सीटेट की लेटेस्ट न्यूज़ आपको सबसे पहले इस चैनल पर देखने को मिल जाती है। दोस्तों, परीक्षा तिथि व सिलेबस को लेकर भी इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं CBSE की तरफ से जो सीटेट की परीक्षा का आयोजन किया जाता है उस नोटिफिकेशन इसी सप्ताह में कभी भी जारी किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। नोटिफिकेशन इसी सप्ताह में आपका जारी किया जाएगा। दोस्तों, इसको लेकर न्यूज़पेपर की मैं आपको अपडेट भी दिखा देता हूँ। जुलाई अगस्त में परीक्षा प्रस्तावित है। जी हाँ दोस्तों, सीटेट की एग्जाम है वो जुलाई अगस्त में सीटेट परीक्षा प्रस्तावित है। मई के अंत तक अथवा जून में नोटिफिकेशन जारी होने की अपडेट है। लेकिन दोस्तों, अपडेट आ रही है कि 30 मई को सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इसमें 35 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों को नोटिफिकेशन का इंतजार है। सीटेट दिसंबर 2021 में आयोजित किया गया था, उसमें 35.5 लाख छात्रों ने आवेदन किया था। अब जो अगला सीटेट होगा दोस्तों, वो आपका अगस्त और जुलाई के मध्य में आपकी परीक्षा का आयोजन हो जाएगा, यानी कि बीच में। और ऑफलाइन एग्जाम की अपडेट आ रही है, अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है दोस्तों तो सीटेट का जो सिलेबस है उसमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सिलेबस में बदलाव होगा, पैटर्न भी बदल जाएगा, क्योंकि सीटेट की ऑनलाइन और ऑफलाइन में पैटर्न में काफ़ी अंतर आ जाता है। लॉजिकली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं और कंप्यूटर में आपके लेंथी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं दोस्तों। इसीलिए अब ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने पर CBSE बोर्ड विचार कर रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से ऑनलाइन एग्जाम कराने का निर्णय लिया गया था। सीटेट का एग्जाम वैसे अमूमन साल में 2 बार होता है और जुलाई का जो नोटिफिकेशन है वो मार्च अप्रैल में ही जारी हो जाता है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होने से स्टूडेंट परेशान हैं। CBSE बोर्ड की जो परीक्षाएं चल रही हैं उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं देरी हो रही है, लेकिन CBSE बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि सीटेट को लेकर अलग से ब्रांच है और वो इसकी तैयारियाँ कर रही है और नोटिफिकेशन इसी सप्ताह में आपका बोर्ड जारी कर देगा। दोस्तों, एग्जाम आपकी अगस्त में कंडक्ट हो पाएगी, सीटेट का नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और ऑनलाइन फॉरम आपके 30 मई से 30 जून तक चलेंगे। 1 महीने तक आपको फॉरम भरने के लिए लिंक प्रोवाइड कराई जाएगी। दोस्तों, इसमें अलग अलग फीस रहती है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड की और पेपर थर्ड की भी अपडेट है, लेकिन अभी इसको लेकर ऑफिशियली तौर पर नोटिस नहीं आया। जब तक नोटिस नहीं आता है तब तक कुछ भी कहना सही नहीं है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।